नमस्कार, राजस्थान मौसम में आपका स्वागत है। आ जाने राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम, कहाँ होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा मौसम साथ, तो जुड़े रहें राजस्थान मौसम साथ। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। आज राजस्थान में मौसम में हुआ बदलाव देखने को मिल रहा है और कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है तथा कुछ जगहों पर बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले में मौसम साफ रहने के आसार बने हुए हैं। बीकानेर जिले में मौसम साफ रहने के आसार बने हुए हैं। गंगानगर जिले में मौसम साफ रहने के आसार बने हुए हैं। चूरू जिले में आज थोड़े बादल छाए रहने का अनुमान है। सीकर जिले में बादल छाए रहने का अनुमान है और कई जगहों पर मौसम साफ रहने के आसार बने हुए हैं। झुंझुनू जिले में थोड़े बहुत बादल छाए रहने के आसार हैं और कुछ जगहों पर रहेगा मौसम साफ। प्रतापगढ़ जिले में हल्की सी बारिश का अनुमान है और कई जगहों पर थोड़े बहुत बादल छाए रहने का अनुमान है। डूंगरपुर जिले में थोड़े बहुत बादल छाए रहने का अनुमान है तथा कुछ जगहों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। बांसवाड़ा जिले में थोड़े बहुत बादल छाए रहने का अनुमान है तथा कुछ जगहों पर मौसम साफ रहने के आसार बने हुए हैं। उदयपुर जिले में बारिश होने का अनुमान है और कई जगहों पर थोड़े बहुत बादल छाए रहने का अनुमान है। चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, इन जिलों में बारिश होने का अनुमान है और कई जगहों पर बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, दौसा, इन जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान है और कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, इन जिलों में थोड़े बहुत बादल छाए रहने का अनुमान है तथा कुछ जगहों पर मौसम साफ रहने के आसार बने हुए हैं। बाड़मेर, जालौर, पाली, इन जिलों में थोड़े बहुत बादल छाए रहने का अनुमान है तथा कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। जैसलमेर जिले में मौसम साफ रहने का अनुमान है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन जिलों में थोड़े बहुत बादल छाए रहने का अनुमान है तथा कुछ जगहों पर छुटपुट बारिश भी हो सकती है। कमेंट बॉक्स में जिला या तहसील का नाम जरूर लिखें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी आपको बता सकें। धन्यवाद। जुड़े रहें राजस्थान मौसम के साथ। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी आपको अपडेट मिलती रहे।